नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल आईटी मैकेनिकल थ्योरी पर। जैसा आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है आपका कटिंग टूल का। कौन सा? कटिंग टूल का। कटिंग टूल में हमने तीन टॉपिक आपको बता दिए हैं, तो आज का फोर्थ टॉपिक रहेगा। तो आज हम टॉपिक आपको आपको बताने वाले हैं छैनी। छैनी यानी कि चीजल। आज बताएंगे चीजल कहाँ पर यूज होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसका मटेरियल क्या होता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या देते हैं, इसके एंगल क्या होते हैं, तो सब जानेंगे आज इसी क्लास में। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके जो हमारी चीजल, देखिए ये मैंने एक चीजल बनाई है आपके। इस चीजल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए ऊपर वाले को हेड बोलते हैं, ये होता है इसकी बॉडी, ये होता है इसका पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं हम कटिंग एज। छैनी हमने अधिकतर सभी लोगों ने देखी है, आईटीआई में भी देखी होगी आपने, और जहाँ पर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपके आस पास अपना किसी मतलब कि छैनी से काम करते हो किसी इंसान को देखा होगा जरूर। तो छैनी अधिकतर हमने सबने देखी है कि छैनी कैसी होती है, इस तरह की होती छैनी। और छैनी से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को काटने के लिए हम छैनी का इस्तेमाल करते हैं, ये हम सब अधिकतर जानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी टेक्निकल भाषा में पूछ लें कि भाई छैनी का मटेरियल क्या है या इसका एंगल क्या रखा जाता है काटते समय, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम नहीं बता पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं छैनी को। प्रयोग देखिए आप, सबसे पहले पतली चादर, सरिया और मटेरियल की चीपिंग करने के लिए हम छैनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रयोग। हमारी छैनी हाई कार्बन स्टील की और क्रोमियम और वेनेडियम स्टील की बनी होती है। किसकी? हाई कार्बन स्टील, क्रोम और वेनेडियम स्टील की बनी होती है। छैनी के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? कोल्ड चीजल और हॉट चीजल। अब कोल्ड चीजल कौन सी होती है और हॉट चीजल कौन सी होती है? देखिए ठंडी अवस्था में, ठंडी अवस्था का मतलब है जैसे कि हम नॉर्मली किसी मेटल को काटते हैं, वो होती है आपकी कोल्ड चीजल। और हॉट चीजल किसे बोलते हैं? जैसे कि आपने लोहार देखे होंगे, लोहार क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं, गर्म अवस्था में किसी मेटल को काटते हैं, तो वो काटते समय जिस छैनी का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं हॉट चीजल। बस यही अंतर है। अधिकतर जो हम यूज़ करते हैं आपकी कोल्ड चीजल, यानी कि जो जितने भी हम इससे आगे सारे आपके प्रकार बताएंगे वो रहेंगे आपके कोल्ड चीजल के। हॉट चीजल सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गर्म अवस्था में मेटल को काटती है। जो आपका कोल्ड चीजल होता है उसका जो पॉइंट होता है आगे का, देखिए कटिंग पॉइंट होता है, उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। लेकिन जो हॉट चीजल होती है उसका कटिंग पॉइंट को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही वो गर्म अवस्था में काटती है, इसलिए उसको उसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। चलिए आप देखिए रेंज, देखिए इसकी 150 mm से लेकर 400 mm तक की रेंज में हमारी छैनी मिलती है। अगर साधारणतः पूछ लें कि साधारणतः लंबाई यानी जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उस छैनी की लंबाई कितनी होती है, आंसर देंगे 150 से लेकर 250 mm की लंबाई की छैनी हम यूज करते हैं। तो रेंज पूछेगा तो 150 से 400, अगर साधारण पूछेगा कि साधारण रेंज बताइए तो 150 से लेकर आपकी 250 mm तक। क्रॉस सेक्शन को ही हम अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट के अनुसार यानी क्रॉस सेक्शन के अनुसार हमारी छैनी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। नंबर एक है षट्भुजाकार और नंबर दो है आपका अष्टभुजाकार। दो क्रॉस सेक्शन में मिलती है। कौन से में? याद रखना है हमेशा कि हमारी छैनी दो क्रॉस सेक्शन के आकार में मिलती है। कौन कौन से होती है? षट्भुजाकार और अष्टभुजाकार। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यही क्वेश्चन अधिकतर छैनी से पूछे जाते हैं। छैनी का आगे का जो पॉइंट होता है, आगे का भाग 1/3 भाग हार्ड और टेम्पर किया जाता है। कितना? 1/3 भाग। स्पेसिफिकेशन देख लीजिए इसका, लंबाई, कटिंग एज की चौड़ाई, प्रकार और क्रॉस सेक्शन के अनुसार हम अपनी छैनी का स्पेसिफिकेशन देते हैं। जितने भी स्टार हैं ये सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, छैनी का मेटल बताइए, छैनी किस धातु की बनी होती है, आंसर देंगे ये। छैनी का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। छैनी का आगे का भाग कितना टेपर में होता है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। छैनी की रेंज पूछ लेगा तो ये हमारा आंसर रहेगा। साधारणतः कितनी लंबाई की छैनी हम इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर ये रहेगा। क्रॉस सेक्शन में हमारे कितने प्रकार होते हैं, इसमें दो, षट्भुजाकार और अष्टभुजाकार। तो ये जितने भी आपके स्टार हैं वो सारे इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आगे। चलिए अब देखते हैं कुछ इसके सामान्यतः एंगल कौन कौन से होते हैं। देखिए पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, इंक्लाइंड एंगल और रैक एंगल, ये कुछ एंगल होते हैं हमारे छैनी के। जब हम किसी मेटेरियल को काटते हैं तो इन एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। चलिए देखिए आपका पॉइंट एंगल जो सामान्यतः है, जो नॉर्मली यूज करते हैं, सिर्फ अभी वो बता रहा हूँ जो जिस मेटेरियल के लिए जो रहेगा वो आपका आगे देखेंगे। देखिए पॉइंट एंगल कितना होता है सामान्यतः, 35 से 70 डिग्री
क्लाइंट एंगल होता है आपका 10 डिग्री के लगभग होता है, इनक्लाइंट एंगल होता है आपका 40 डिग्री के लगभग यानी 40 डिग्री, और रैक एंगल होता है आपका 20 डिग्री। तो ये है आपके सामान्यता। अगर सामान्यता पूछ ले कि बताइए छैनी का क्लियरेंस एंगल कितना होता है, तो 10 डिग्री ये आपका सामान्यता। इंक्लाइंट एंगल कितना होता है, वो होता है आपका 40 डिग्री। इस इंक्लाइंट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, झुकाव एंगल, याद रखना है। तो यहाँ पे सामान्यता एंगल। सॉफ्ट धातु काटने के लिए देखिए, जब हम सॉफ्ट धातु काटते हैं तो किस तरह का एंगल या कोण रखते हैं अपनी छेनी का, देखिए किस तरह से पूछेगा, कम तेज हल्के। तो सॉफ्ट धातु काटने के लिए हम कम कोण रखते हैं, किसना कम एंगल कम रहे, कम का मतलब देखिए इस तरह, जैसे कि ए इस तरह, ये हो गया कम, ये होता है आपका हार्ड, ये इस तरह ज्यादा हो गया इसका, ये कई हो गया ज्यादा, तो ये तो हो गया आपका कम, ये हो गया आपका ज्यादा। तो सोप धातु के लिए कैसा कोण रखते हैं, कम कोण, ये कम रहेगा, और हार्ड धातु के लिए कैसा रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा। अब कम कोई क्या बोल सकता है, वो तेज, तेज कोण रखते हैं, या बोलेगा हल्के कोण रखते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो दे दे कि सोप धातु काटने के लिए हल्के कोण का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ है ना, हाँ क्या है? तेज कोण का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ किया जाता है, तो वो कहने का मतलब है कम भी कह सकता है, तेज भी कह सकता है, और हल्के भी कह सकता है। अब देखिए हार्ड धातु के लिए अधिक कहेगा या चौड़ा कोण कहेगा, दोनों। अगर वो बोल दे कि हार्ड धातु के लिए चौड़े कोण का इस्तेमाल करते हैं, हाँ करते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, अधिक, यानी कि ये, तो इसको हम ज्यादा बोल सकते हैं, अधिक ही बोल सकते हैं, चौड़ा बोल सकते हैं, ये सिर्फ समझने की बात है कि वो जो कह रहा है वो हमें उसके बारे में पता है नहीं पता है। अब हार्ड धातु के लिए अधिक है ये तो हमें पता है, लेकिन अगर चौड़ा बोल देगा तो अधिक तो ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार ये चौड़ा कहाँ से आ गया, ये ज्यादा कहाँ से आ गया। तो हर चीज को हमें सोच समझ के आंसर देना है कि हार्ड धातु के लिए अधिक कम, अधिक भी दे सकता है, चौड़ा भी दे सकता है, ज्यादा भी दे सकता है। चलिए अब देखिए क्रोनिक, एक पॉइंट आता है इसमें क्रोनिक की, छैनी की जो आगे की कटिंग एज होती है उसमें क्या होता है, हल्का सा कन्वेक्स दिया जाता है, यानी थोड़ी सी वक्रता, थोड़ी सी इस तरह रेडियस होती है हल्की सी, वो क्यों दी जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम क्रोनिक। तो कटिंग एज को कॉनवेक्स बनाना ही क्या कहलाता है, क्रोनिक कहलाता है। अच्छा ऐसा हम क्यों करते हैं, हमें उसके कटिंग एज को कॉनवेक्स क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, देखिए कटिंग पॉइंट टूटता नहीं है इससे, अगर हम ऐसा करेंगे तो कटिंग पॉइंट टूटेगा नहीं, और चीपिंग आसानी से होती है। क्या होती है, चीपिंग आसानी से होती है। किसी को अगर चीपिंग ना पता हो तो ये भी बता देता हूँ, चीपिंग क्या होता है, किसी मटेरियल को, जैसे कि ये मटेरियल है मेरा, ये प्लेट है, इस प्लेट से कोई खुरदरी सतह है, उसको छैनी के द्वारा में इस तरह छीलने को ही हम चीपिंग कहते हैं। छीलने का मतलब है उसकी सतह को फिनिश करने को हम चीपिंग कहेंगे। तो कटिंग पॉइंट टूटेगा नहीं और चीपिंग आसानी से होती है अगर हम अपनी छैनी के पॉइंट को क्रोनिंग करते हैं। क्रोनिंग का करने का मतलब क्या होता है, कॉनवेक्स बना देना। चलिए देखते हैं इस मामले, छैनी से चीपिंग करते समय उसका एंगल किस पर निर्भर करता है। देखिए अगर हम किसी छैनी से किसी धातु की चीपिंग कर रहे हैं तो उसका एंगल किस पर निर्भर करेगा, आंसर रहेगा धातु पर। जिस धातु की हम चीपिंग कर रहे हैं, काष्ठानी कर रहे हैं, पीतल कर रहे हैं, तांबे कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कर रहे हैं, यानी जिस धातु की हम चीपिंग कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमारी छैनी का कटिंग एंगल होता है। ठीक है, तो छैनी का कटिंग एंगल किस पर निर्भर करता है, धातु पर, चीपिंग की जाने वाली धातु। कटिंग एज चेक करते हैं तो अपनी चीजल की हम कटिंग एज किससे चेक करेंगे, आंसर देंगे गेज या प्रोट्रैक्टर से। कटिंग एज अगर सीधी हो तो, इससे पहले मैंने बताया कि अभी हमारी छेनी की जो आगे की कटिंग एज होती है वो कॉनवेक्स होती है, यानी हल्की सी राउंड में होती है। अगर राउंड में ना हो तो क्या होगा, आंसर देंगे छेनी चोट लगने पर उछलेगी, यानी कि जब हम चोट मारेंगे तो उछलेगी और कट भी नहीं पकड़ेगी। अगर हमारी जो कटिंग एज है वो सीधी होगी तब ये वाले हमारे उसमें परेशानी आएगी। ठीक है, आंसर में देंगे कि छैनी चोट लगने पर उछलेगी और कट भी नहीं पकड़ेगी अगर हमारी कटिंग एज सीधी है। छैनी की कटिंग एज की चौड़ाई परिवर्तित होती है, यानी कि मैंने क्या बताया, देखिए छैनी की कटिंग एज की चौड़ाई है वो यानी कि कम ज़्यादा होती रहती है, तो किसके अनुसार होती है, आंसर देंगे छैनी के प्रकार के अनुसार हमारी कटिंग एज की चौड़ाई कम ज़्यादा होती रहती है। चलिए देखिए हमारी कोशिश है कि अधिकतर हम जिस टॉपिक को भी पढ़ा रहे हैं वो डीपली से डीपली पढ़ाया जाए,
ताकि जितने भी क्वेश्चन हमारे टॉपिक से बनते हो सारे अधिकतर मैक्सिमम सारे कवर हो जाए। तो इसीलिए मैं टॉपिक को जितना हो सकता हूँ डीपली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि एक भी टॉपिक उससे बचे ना, कि पता चला कि एग्ज़ाम में अगर चीज़ें दिख गई तो मतलब कि अगर मैंने चीज़ें पढ़ाई है तो उससे वो क्वेश्चन हल होना ही होना है। इस तरह मैं अपने टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखा करें और वीडियो पूरा देखा करें, ये नहीं कि आधी देख ली आधी छोड़ दी, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे इसमें और क्या है। एक होता है आपका चीपिंग स्क्रीन। देखिए चीपिंग स्क्रीन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, चीपिंग करते समय दूसरों को जो चिप्स हैं वो ना लगे, इसलिए हम चीपिंग स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, और अपने लिए हम गोगल पहनते हैं यानी चश्मा लगाते हैं। चीपिंग करते समय हमेशा कटिंग एज पर ही ध्यान दिया जाता है, चीज़ हल्की कटिंग एज पर ध्यान दिया जाता है ना कि हेड पर। कहाँ देते हैं, कटिंग एज पर। चीपिंग करते समय हम कटिंग एज पर ध्यान देते हैं, उसके हेड पर नहीं देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार। सामान्यतः हमारी जो छैनी है वो 5 प्रकार की होती है। साधारणतः अगर पूछेगा कि कॉमनली आपकी जो छैनी है चीज़ है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से है और कहाँ पर ये यूज होती है। नंबर एक है आपकी फ्लैट चीज़, कौन सी फ्लैट चीज़। देखिए ये आपकी फ्लैट चीज़ दिखाई जा रही है, मैंने आपको बताया कि सामान्यतः आपकी 5 प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो नंबर एक है फ्लैट चीज़। फ्लैट चीज़ का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं यानी प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देख बड़ी सपाट सतह, वेल्ड जोड़ और ढलाई से अतिरिक्त मेटल को हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर नेक्स्ट देखिए, तार रोड और सीट काटने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन अष्टभुजाकार होता है। अगर पूछ लेंगे फ्लैट छेनी का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है तो आंसर देंगे अष्टभुजाकार। फ्लैट छेनी के कटिंग एज पर कन्वेक्स सिटी क्यों बनाई जाती है, किसके नाम लेके बोल पूछेगा आपसे वो बताइए। फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर कन्वेक्स सिटी क्यों बनाई जाती है, तो आंसर देंगे हम धातु में फंसने से रोकने के लिए हम इसकी कटिंग एज पर कन्वेक्स सिटी बनाते हैं। तो ये आपकी फ्लैट चीजल। चलिए आप देखते हैं नंबर दो है आपकी क्रॉस कट चीजल। देखिए ये आपको दिखाई जा रही है आपकी क्रॉस कट चीजल। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, चाबी घाट बनाने के लिए, खांचे बनाने के लिए या झिर्री काटने के लिए हम इस छेनी का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कीवेज बनाने के लिए, ग्रूव बनाने के लिए या स्लॉट बनाने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। इस छेनी को हम कैप चीजल भी कहते हैं। ये बहुत पूछता है कि बताइए कैप चीजल किसे बोलते हैं, आंसर रहेगा आपका क्रॉस कट छेनी को ही हम कैप चीजल भी बोलते हैं। इसका कटिंग एज की चौड़ाई 5 से लेकर 9 mm तक रखी जाती है। कितनी, 5 से लेकर 9 mm तक इसकी कटिंग एज की चौड़ाई रखी जाती है। कटिंग एंगल इसका 60 डिग्री होता है और फोर्जिंग एंगल इसका 30 डिग्री होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए सबसे पहले पूछ सकता है कि बताइए क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा ऑल, यानी कि ये सभी। तो आंसर लगाएंगे ये सभी, कीवेज बनाने के लिए भी है, ग्रूव्स भी और स्लॉट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कि छेनी को हम कैप चीजल के नाम से जानते हैं, तो आंसर रहेगा आपका क्रॉस कट चीजल। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। चलिए देखिए नंबर 3 है आपकी हाफ राउंड नोज चीजल। कौन सी, हाफ राउंड नोज चीजल। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए तेल नाले बनाने के लिए, कर्व ग्रूव बनाने के लिए, वक्राकार खांचे बनाने के लिए, कौन के रेडियस बनाने के लिए और फ्लीट रेडियस बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तेल नाले को बोलते हैं इंग्लिश में हम ऑयल ग्रूव। तो पूछेगा बताइए कि तेल नाले बनाने के लिए किस छेनी का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर देंगे हाफ राउंड नोज चीजल। और पूछ लें कि ऑयल ग्रूव बनाने के लिए किस छेनी का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर देंगे हाफ राउंड नोज चीजल। इस तरह आपसे वो पूछेगा। हॉर्न को सेंटर में लाने के लिए भी हम इस छेनी का इसका इस्तेमाल करते हैं। हॉर्न को सेंटर में लाने के लिए, अगर कोई होल कर रहे हैं और वो सेंटर में नहीं आ रहा है, सेंटर से आउट है, तो उसको सेंटर में लाने के लिए भी हम हाफ राउंड नोज चीजल का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी नंबर 3। अब देखें नंबर 4 है आपका डायमंड पॉइंट चीजल। देखिए ये है आपकी डायमंड पॉइंट चीजल। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, किनारों पर धातु को चौरस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और वी आकार के ग्रूव बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कटिंग एज की धार इसकी हीरे की तरह होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डायमंड पॉइंट चीजल। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई 6 mm से लेकर 16 mm तक की होती है। चलिए आप देखते हैं नंबर 5 है आपकी वेब छेनी। देखो वेब छेनी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए ये आपको दिखाई जा रही है वेब छेनी है। तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए हम वेब छेनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं लैंडमार्क से, चेन ड्रिल का मतलब एक इधर इस तरह अगर हम ड्रिलिंग करेंगे, देखो इस तरह ड्रिलिंग करेंगे तो इसके बीच में जो गैप बच जाता है इसको निकालने के लिए हम वेब छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको सामान्यतः जो 5 प्रकार की छेनी थी वो आपको बता दी है। अब इसके कुछ अन्य प्रकार हैं
जो अन्य है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कुछ अन्य में देखिए, सबसे पहले बताते हैं हम आपको साइड कट चीजर के बारे में। कौन सी साइड कट चीजर? देखिए इस तरह की आपकी साइड कट चीजर होती है, इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कीवे बनाने के लिए, वर्गाकार ग्रूव बनाने के लिए या स्लॉट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यह फ्लैट चीजर की तरह होती है, इसलिए इसके काम भी कुछ ऐसे ही है सेम से। तो ये फ्लैट चीजर की तरह दिखती है। कटिंग पॉइंट जो होता है वो बॉडी से एक तरफ मुड़ा होता है। किसका? कटिंग पॉइंट बॉडी से एक तरफ मुड़ा होता है इस साइड कटिंग चीजर का, इसलिए इसे बोलते हैं साइड कटिंग चीजर। इसका कटिंग एंगल 60 डिग्री का होता है और फोर्जिंग एंगल होता है आपका 25 डिग्री का। तो इसमें आप क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए साइड कटिंग चीजर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कीवे बनाने के लिए, वर्ग का ग्रूव बनाने के लिए और स्लॉट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह दिखती है? आंसर रहेगा फ्लैट चीजर की तरह दिखती है। इसका कटिंग एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का, और फोर्जिंग एंगल होता है आपका 25 डिग्री का। तो इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। एक होती है आपकी काऊ माउथ चीजर। देखिए काऊ माउथ चीजर आपकी कैसी होती है? ये है आपकी काऊ माउथ चीजर। इसकी आकृति गाय के मुख यानी कि मुंह जैसी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं काऊ माउथ चीजर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए चादर को गोल काटने के लिए, गोल होल बनाने के लिए और कास्टिंग जॉब को साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पूछ ले कि बताइए काऊ माउथ चीजर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इसके तीनों ये आंसर आएंगे। कहाँ पर? चादर को गोल काटने के लिए, होल गोल बनाने के लिए, कास्टिंग जॉब को साफ करने के लिए हम इस छैनी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी छैनी के जो प्रकार थे मैंने सारे बता दिए हैं, लेकिन अगर साधारणतः पूछेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं और 2 जो प्रकार है इसके अन्य प्रकार में आएंगे। चलिए अब देखते हैं इसके आगे आगे आपका छैनी में जो बचा है, चलिए देख लेते हैं। चलिए आप जानते हैं छैनी के एंगल के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है काटे जाने वाली धातु, यहाँ पर है कटिंग एंगल और यहाँ पर रहेगा इसका झुकाव एंगल। इस झुकाव एंगल को ही बोलते हैं हम इंक्लाइन एंगल। यहाँ पर मैंने जो काटे जाने वाली धातु जैसे कि हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल स्टील, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, इन मटेरियल को हमें काटना है किससे? छैनी से। लेकिन उसके लिए हमारे कटिंग एंगल सबके लिए अलग होता है। तो ये एंगल क्या है हम याद करते हैं, याद करेंगे एक या दो महीने फिर भूल जाएंगे। तो मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ ताकि आपके ये जो एंगल हैं वो हमेशा याद रहें। परीक्षा में बैठते समय हमें ये ना सोचने पड़े कि इसका ये एंगल था या इसका ये एंगल था। अगर कन्फ्यूजन होता है तो हम गलती कर देते हैं। तो गलती नहीं करनी है, तो एक स्टोरी बनाएंगे आज। स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसके एंगल को हम किस तरह फिल करेंगे जो लंबे समय तक आपको याद रहने वाले हैं। और परीक्षा में अधिकतर ऐसे ही अगर कुछ थोड़ा सा पॉइंट मिल जाता है ना कि हाँ भाई इसका ये आंसर हो सकता है आंसर, तो वो बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। तो इसके लिए हम आपको देखिए एक स्टोरी बताने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें मैंने दो, ये क्या है, दो दुकान है, एक ये दुकान है एक ये दुकान है, ठीक है। तो फर्स्ट और टू, तो इसमें दो दुकानें मैंने ली गई हैं। देखिए अब इसको हम कैसे फिल करने वाले हैं आपके एंगल को, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक दुकानदार ये है, एक ये है, ये दो दुकानदार हैं, ये दोनों क्या है मेटल बेचते हैं, ये भी और ये भी। लेकिन इसमें अंतर क्या है, जो सामान ये रखता है वो ये नहीं रखता, जो सामान ये रखेगा वो ये नहीं रखेगा, दोनों में ये अंतर है। दो दुकान है, दोनों ये दुकानदार हैं। देखिए अब इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी दुकान में 6 खाने बना रखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 इसने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने इसने बनाए हैं। तो दोनों ने 6 खाने बना रखे हैं, पहले पहले खाने में दोनों में बैठते हैं, ठीक है। जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो आप याद रख लेंगे तो ये आपके एंगल जो हैं वो लाइफ टाइम तक आपके याद रहेंगे। देखिए ठीक है, अब वो क्या करता है, तीसरे जो कॉलम है उसका, तीसरे खाने में वो एल्यूमिनियम रखता है, 5 पीतल और 6 में कास्ट आयरन। ध्यान देना कि अभी सिर्फ हम पहले वाली बात करेंगे, पहले दुकानदार की, वो इस तरह अपना सामान रखता है, यानी कि तीसरे खाने में एल्यूमिनियम, 5 खाने में पीतल और 6 खाने में कास्ट आयरन। याद हुआ, तीसरे खाने में रखेगा एल्यूमिनियम, 5 में रखेगा आपका पीतल और 6 में रखेगा आपका कास्ट आयरन, ठीक है। ये उसके कॉलम है। अब चलिए ये फर्स्ट वाला रखता है, पहले फर्स्ट वाले को ही कंप्लीट करेंगे। तो एक ग्राहक आता है उसके पास कुछ सामान लेने के लिए, सामान उसको ये लेना है, मटेरियल लेना है। उस जो ग्राहक है उसको ये सामान भी चाहिए और ये सामान भी चाहिए, यानी कि उसको सारे मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले वो इस दुकान पर आया, इस दुकान पर आने के बाद उस दुकानदार से बोला कि मुझको एल्यूमिनियम, पीतल और कास्ट आयरन चाहिए, ठीक है।
अब वो पूछता है सबसे पहले अगर हम किसी दुकान पे जाएंगे तो वो क्या पूछेगा, हाँ भाई कौन सामान चाहिए, वो सामान बता देगा। उसके बाद क्या पूछेगा, हमें कितना कितना चाहिए पूछेगा ना। तो अब वो कितना कितना बोलेगा, देखिए उसने बोला कि एल्यूमिनियम मुझे चाहिए 22 किलो, कितना 22 किलो एल्यूमिनियम चाहिए और पित्तल चाहिए 32 किलो। देखो कुछ मैच हो रहा है ना, एल्यूमिनियम 22 किलो और पित्तल चाहिए 32 किलो, बचा कास्ट आयरन। अब बोला वो बोल बताओ भाई कास्ट आयरन कितना चाहिए, उन्होंने बोले चल ठीक है ये भी कुछ थोड़ा ज़्यादा कर दे, ये पड़ते 37 किलो। तो 37 किलो उसने ले लिया कास्ट आयरन, ये उसने बोला एल्यूमिनियम 22 किलो लेना है, पित्तल 32 किलो, कास्ट आयरन 37 किलो। ठीक है कन्फर्म, इतना इतना याद रहेगा। एक दुकानदार है उसके 6 कॉलम बने हुए हैं उसकी दुकान में, पहले कॉलम में खुद बैठता है, एक ग्राहक आता है उसके पास कुछ सामान लेने के लिए, सामान क्या चाहिए सो एल्यूमिनियम पित्तल आयरन, पित्तल और कास्ट आयरन। और वो पूछता है कितना कितना चाहिए, वो बोलता है कि एल्यूमिनियम 22 किलो चाहिए, पित्तल 32 किलो चाहिए और कास्ट आयरन 37 किलो चाहिए। कन्फर्म इतना हो गया। उसके बाद ठीक है उसने उसको एल्यूमिनियम 22 किलो दे दिया, पीतल 32 किलो दे दिया, कास्ट आयरन 37 किलो दे दिया। ठीक है कन्फर्म। ठीक है फर्स्ट जो दुकानदार है उसकी कहानी इतनी है। अब देखिए अब इससे हम अपने एंगल यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए एल्यूमिनियम कितना लिया उसने 22 किलो, पीतल 32 किलो और कास्ट आयरन 37 किलो। एल्यूमिनियम कौन से रो में रखा था, कौन से बॉक्स में रखा है, नंबर पर तीसरे नंबर पर, तीसरे पे है ना, तीसरे पर, पीतल पांचवे पर और कास्ट आयरन छठे नंबर पर। इतना कन्फर्म है एल्यूमिनियम तीसरे पर रखा है 30 डिग्री, पीतल पांच पर रखा है 50 डिग्री, कास्ट आयरन कहाँ पर रखा है 6 पर रखा है तो 60 डिग्री। ठीक है अब कहाँ चलते हैं, देखिए अब चलेंगे कटिंग एंगल पर। ये क्या है हमारा, ये है कटिंग एंगल, ये क्या है कटिंग एंगल। देखो एल्यूमिनियम कितना लिया था उसने 22 किलो, 22 किलो लिया डिग्री लगा देंगे, पीतल लिया था 32 किलो डिग्री, ये है 37 डिग्री। ठीक है डिग्री डिग्री हमने इसमें लगा दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कहानी का कंप्लीट हो गया है। अब चलो भरते हैं अपनी टेबल को। सबसे पहले क्या है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का कटिंग एंगल कितना होता है, कटिंग एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री कन्फर्म। फिर आपका पीतल, पीतल के लिए कटिंग एंगल कितना होता है 50 डिग्री, पीतल का है ये 50 डिग्री। फिर कास्ट आयरन के लिए कितना होता है 60 डिग्री, कास्ट आयरन का है ये वाला 60 डिग्री। हो गया पीतल के लिए कितना होता है 30, 50, 60 कन्फर्म। अब देखिए एल्यूमिनियम कितना लिया था उसने 32 सॉरी एल्यूमिनियम लिया था 22, पीतल 32 और कास्ट आयरन 37 किलो। चलिए एल्यूमिनियम चलते हैं आप, अब चलेगा हमारा झुकाव एंगल जिसको इंक्लाइन एंगल बोलते हैं। किसके लिए एल्यूमिनियम के लिए क्या है 22, देखो यहाँ लिखेंगे हम 22 डिग्री। फिर तो उसके बाद पीतल के लिए है 32, इसके सामने जस्ट 32, फिर इसके सामने आपका क्या है 37। ठीक है इसके बाद लिखेंगे 37। देखो इसमें से मेरे 6 आइटम हैं, ये 6 धातु, 6 में से मेरे 3 तैयार हो गए हैं। ठीक है कास्ट आयरन के लिए कटिंग एंगल 60 डिग्री, झुकाव एंगल 37 डिग्री, पीतल के लिए कटिंग एंगल 50 डिग्री और झुकाव एंगल 32 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए कटिंग एंगल 30 डिग्री और झुकाव एंगल 22 डिग्री। कन्फर्म हो गया। अब जाता है वो दूसरी दुकान वाले के पास, उसने भी ऐसे बना रखा, 6 रो बना रखे हैं, पहले में बैठता है और बाकी 3 में उसने सामान रख रखा है। अब वो पूछता है दूसरे वाले की दुकान पर, ये पूछता है बताइए भाई क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम किसी भी दुकान पर जाएंगे तो वो क्या पूछेगा, क्या क्या चाहिए और कितना कितना चाहिए ये पूछेगा। उसने बोला कि तांबा, माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील चाहिए मुझे भैया, 3 मटेरियल चाहिए। चलिए बोल गया ठीक है भाई बताओ कितना कितना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोलता है, वो चाहिए मुझे तांबा, मुझे तांबा चाहिए कितना, उन्होंने बोला 29 किलो, 29 किलो तांबा लिया। फिर वो सोचा कि माइल्ड स्टील को भूल गया, कितना उसको चाहिए था, उन्होंने बोला 29 किलो ले देते, फिर हाई कार्बन स्टील लेते 39 किलो। ठीक है 29 किलो तांबा लिया, हाई कार्बन स्टील लिया 39 किलो, लेकिन वो माइल्ड स्टील को भूल गया। लेकिन अब उसको बाद में याद आया, हाँ भाई आ गया, माइल्ड स्टील लिया उसने 34 किलो। ठीक देखो तांबा 29 किलो लिया, हाई कार्बन स्टील लिया था 39 किलो और एमएस लिया उसने 34 किलो, ले लिया तीनों। लेने के बाद
ठीक है, कौन से रो में रखा है? देखिए ये चौथे पे, ये पांचवें पे, ये छठे पे, ये ध्यान रखना ये कौन से खाने में रखे हैं। देखो एल्यूमिनियम से यहाँ पर तीसरे रखा था, यहाँ पर पांचवें पे, यहाँ पर छठे पे, ये ध्यान देने वाली बात है अधिकतर, ठीक है। और इसमें दूसरी दुकानदार वाले क्या रखा था? चौथे खाने पे तांबा, पांचवें खाने पे माइल्ड स्टील, छठे खाने पे हाई कार्बन स्टील रखा था। अब देखिए अब अपनी सारणी को हम कंप्लीट कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, 29 है ना, 0.5, ठीक है, 34 है ना, 0.5, 39 है ना, 0.5, ठीक है, बस इतना कर देना है। तो तांबा देखिए, तांबा ये जो इधर लिख रहा हूं वो आएगा आपका झुकाव एंगल। अब देखिए तांबे के लिए झुकाव एंगल कितना है आपका, 29.5 डिग्री। तांबा का है हमारा, तांबा ये है, ये जाएगा आपका 29.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद माइल्ड स्टील के लिए जाएगा आपका 34.5, माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील है, इसके लिए जाएगा आपका 34 डिग्री, 34.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जाएगा हाई कार्बन स्टील 39.5, ये जाएगा 39.5, ये डिग्री में जाएंगे सर, ठीक है। चलिए देखो जो भी मटेरियल हैं, काटे जाने वाले धातु ये हैं, इनके सबके झुकाव एंगल हमारे आ गए हैं 39.5, देखो सारे हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कटिंग एंगल। अब कटिंग एंगल देखिए, इसमें हमने 0.5 लगाया था, तांबा कहाँ रखा है? 4 नंबर, तो 4 नंबर पे है, तो 4 का नंबर मतलब आएगा हमारा 40, लेकिन 5 इसमें भी ऐड करेंगे, 40 5 45, 5 पे है तो 55 लिख देंगे, 6 पे है तो 65 लिख देंगे, कंफर्म है, ये डिग्री हो जाएगी। 4 पे है तो 45 लिखेंगे, 5 है तो 55, 6 है तो 65 लिख देंगे, ऐसे ही ठीक है, कंफर्म हो गया सर। अब देखिए तांबे का कटिंग एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। तांबा का है हमारा ये रहा 45। उसके बाद माइल्ड स्टील 55, माइल्ड स्टील कहाँ है? ये वाला 55। उसके बाद हमारा हाई कार्बन स्टील कितना है? 65, 65 डिग्री। ये हमारे हैं एंगल ऑफ चीजर। तो इस स्टोरी के द्वारा मैं जो जितने भी एंगल हैं आसानी से याद रख सकता हूँ। पहला दुकानदार, दूसरा दुकानदार। पहला दुकानदार क्या था? वो एल्यूमिनियम, पित्तल और कास्ट आयरन रखता था, ठीक है। 6 रो हैं, 6 रो याद रखने हैं हमेशा। तीसरे पे एल्यूमिनियम, पांच पे पीतल और छठे पे आपका कास्ट आयरन, ठीक है, ये याद रख लेना। तीसरे खंड में क्या रखा था? एल्यूमिनियम था, पांच पे पीतल था और छठे पे कास्ट आयरन था। इस तरह ही हम इसको याद रखेंगे। ये चौथे पे तांबा, पांच पे माल स्टील और छठे पे हाई कार्बन स्टील। ये पहली कहानी इसकी, ये दूसरी कहानी, यानी ये पहला दुकानदार, ये दूसरा दुकानदार। हम इसको सिर्फ इस तरह याद रख लेंगे। याद रखने के बाद इसका कितने कितना वजन लिया था? ये पहले 29 लिया था, फिर ये 39 लिया था, ध्यान रखना, पहले 29 फिर 39, बाद में क्या लिया 34 किलो, जब वो भूल गया था तो कितना याद आया था उसका? 34 किलो। ये इसी तरह एल्यूमिनियम आपका 22 किलो लिया उसने, पित्तल 32 किलो, आयरन कास्ट आयरन लिया उसने 37 किलो, ठीक है। जिस खाने में रखा है वो इसकी डिग्री रहेगी। ये चौथे खाने में है तो 40 प्लस 5 करेंगे 45, 5 का 55, 6 का 65। इसमें जैसे कि फर्स्ट वाले में 30 50 60। तो इस तरह हम अपने सारे एंगल को इस तरह बना लेंगे। वो आपसे कोई से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें बताइए छेनी का माइल स्टील के लिए कटिंग एंगल कितना होता है, तुरंत याद आएगा 55 डिग्री। कितना आएगा? 55 डिग्री। माइल स्टील कौन से नंबर पर रखा था? 5 नंबर। दूसरे दुकानदार के पास था, 5वीं रैक में रखा हुआ था। 5वीं रैक का मतलब होता है तुरंत याद आएगा, 5वीं रैक में था, हाँ भाई 50 के यानी प्लस 5 करना है दूसरी वाले रैक में, तो हो जाएगा 55 डिग्री। ये है 55 डिग्री। तो इस तरह इस स्टोरी को आप याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे, आगे और क्या है इसमें। देखिए ये चित्र आपने हमेशा देखा होगा, हर बुक में मिलता है ये चित्र, और इससे इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब क्वेश्चन पूछता है ना तो हम क्वेश्चन भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने ये चित्र बनाया है, ये आपकी चीजल है, ये कुछ एंगल दिखाए गए। देखिए कौन सा एंगल है पहले देख लेते हैं। ये देखिए ये कटिंग पॉइंट है इसका, इस कटिंग पॉइंट से नीचे का ये आपका क्लियरेंस एंगल है, ये झुकाव एंगल है, देखिए इसलिए इसी को हम इनक्लाइंड एंगल बोलते हैं। देखो इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका है इंक्लाइंड एंगल, इसे हम झुकाव एंगल बोलते हैं। और देखो ये बीच का ये वाला, ये आपका पॉइंट एंगल है, और ये ऊपर का होता है रैक एंगल, यानी कि ऊपर रैक एंगल रहेगा और सबसे नीचे रहेगा क्लियरेंस एंगल। सबसे पहले ये चीज हमारे माइंड में छप जाना चाहिए, तो जो उनसे क्वेश्चन है वो उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए ये दिख गया। अब उसके बाद देखिए उसने क्या पूछा है, क्लियरेंस एंगल बहुत कम या शून्य है, ये वाला क्लियरेंस एंगल बहुत कम है या शून्य है, तो क्या होगा? रैक एंगल बढ़ेगा। क्या होगा?
रैक एंगल बढ़ेगा। देखिए जब ये ऐसे बिल्कुल शून्य हो जाएगा तो ये हमारा रैक एंगल बढ़ जाएगा। इन दोनों में मतलब कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये अगर कम होगा, ये जब तक हमारी छैनी ऐसे ऐसे चली जाएगी तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर छैनी ऊपर ऐसे ऐसे लेंगे तो ये कम हो जाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है हमेशा इन दोनों को, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ता है नीचे को होगी ऐसे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्लियरेंस एंगल बहुत कम या शून्य है तो रैक एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा है झुकाव एंगल, झुकाव कोण बहुत कम है। अगर ये वाला झुकाव देखो, इसका बिल्कुल झुकाव बिल्कुल कम कर दिया तो क्या होगा, छैनी क्या करेगी, कटिंग एज वर्क पीस में पेनिट्रेट नहीं करेगी, यानी घुसेगी नहीं। हमारी कटिंग जो एज है छैनी की, वो वर्क पीस में घुसेगी नहीं, पेनिट्रेट नहीं करेगी, और छैनी फिसल जाएगी। क्या करेगी, और छैनी फिसल जाएगी अगर झुकाव कोण बहुत कम है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट, देखिए एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि पॉइंट एंगल और इंक्लाइन एंगल, ये पॉइंट एंगल और इंक्लाइन एंगल ये क्या करते हैं, इनका मेन कार्य क्या है, ये क्या कर रहे हैं। देखो छैनी को सही रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, छैनी को सही रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल प्रदान करते हैं। तो ये जो दो पॉइंट है आपके, पॉइंट एंगल और इंक्लाइन एंगल, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल को बिल्कुल सही मतलब सही करते हैं, उसको सही पोजिशन में लाते हैं दोनों, ये पॉइंट एंगल और इंक्लाइन एंगल, ठीक है। इसका आंसर ये देंगे, वो इस तरह पूछ सकता है, देखिए कि छैनी को सही रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल कौन प्रदान करता है, तो आंसर रहेगा हमारा पॉइंट एंगल और इंक्लाइन एंगल। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, इसमें इस तरह इसको देख लेना है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं और थोड़ा सा क्या क्या है इसमें, और अब देखते हैं रैक एंगल किसे कहते हैं और क्लियरेंस एंगल किसे कहते हैं। देखिए पूछता कैसे आपसे, वो देखिए दो क्वेश्चन बना दिए हैं, एक एक दो, पहले क्वेश्चन देखेंगे वो क्या पूछ रहा है। पॉइंट के निचली सतह तथा कटिंग एज पर उद्गम होने वाले वर्क पीस की सरफेस के टेंजेंट के बीच का कोण कौन सा होता है, यह हमें बताना है। इन चारों में से कौन सा कोण होता है बताना है। अब समझेंगे, देखिए पॉइंट के निचली सतह, ये पॉइंट है, पॉइंट की निचली सतह कौन सी होगी, ये वाली, तो ये होगी, ये मेरा वर्क पीस है, तो निचली सतह कौन सी होगी चीजल की, ये वाली होगी, तो ये है ना, तो ये सतह निचली सतह, पॉइंट की निचली सतह तथा कटिंग एज पर उद्गम होने वाले, कटिंग एज ये है, ये कटिंग एज, इस पर उद्गम कौन सा कौन जा रहा है, देखिए यहाँ से कौन सा कौन जा रहा है, ये वाला, यानी कि ये कौन, इस कौन की बात कर रहा है, उद्गम होने वाले वर्क पीस की सरफेस के टेंजेंट, सरफेस की टेंजेंट यानी स्पर्श करता हुआ, इससे स्पर्श करता हुआ ये कौन जा रहा है, तो टेंजेंट के बीच का कौन सा है, तो स्पर्श करता हुआ कौन सा कौन जा रहा है, ये वाला, इस कौन की बात कर रहा है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है किसके बारे में, इसके बारे में। तो पॉइंट की निचली सतह यानी पॉइंट की निचली सतह ये वाली तथा कटिंग एज पर उद्गम, कटिंग एज पर उद्गम ये उठा, ये वाला कौन होने वाले वर्कपीस की सरफेस के टेंजेंट के बीच का कौन सा, यानी कि इसकी कौन की बात कर रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आंसर आएगा हमारा ये वाला, यानी क्लियरेंस एंगल, आंसर देंगे हम क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, वो ये पूछता है, ये सब लिख देगा और पूछ लेगा बताइए वो कौन सा कौन है, तो आंसर रहेगा आपका क्लियरेंस एंगल। दूसरा देखिए, कटिंग एज के ऊपरी सतह, देखो ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज, आप बोला ऊपरी सतह, पहला था नीची सतह, निचली सतह थी ये वाली, आप बोल रहे हो ऊपरी सतह, ऊपरी सतह ये वाली है, ऊपरी सतह कटिंग एज के ऊपरी सतह, ऊपरी सतह ये आ गया, ठीक है यहाँ से आ गया सतह, और सिरे पर कार्य सतह की सतह पर अभिलंब, और सिरे पर, सिरा ये है, ऊपरी सतह हो गया, सिरा ये है, अब सिरे पर कार्य सतह की सतह पर अभिलंब माने ऊपर से आता हो, देखिए ऐसे ऊपर से अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब ये है और कार्य सतह ये एज, कटिंग एज के ऊपरी सतह ये वाली, ठीक है। तो ऊपरी सतह ये और अभिलंब ये, तो इसके बीच के कोण की बात कर रहा हूँ ये वाला, तो हमें समझना है कि वो क्या क्या है, तो इसके बीच में कौन कौन सा होता है, आंसर रहेगा आपका रैक एंगल, ठीक है। इस चीज को एक बार समझ जाना है, चित्र को, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर समझेंगे नहीं तो, अगर हम याद करेंगे तो भूल जाएंगे, याद तो करना नहीं है, इसको समझना है, जितना हम समझेंगे उतना ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ये भी, अब क्लियरेंस एंगल कौन सा होता है ये भी हम बता सकते हैं, और रैक एंगल कौन सा होता है ये भी हम बता सकते हैं।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें, देखिए मैंने काफी क्वेश्चन बस करा दिए हैं, अब जो भी बचता है उस इसके देख लेते हैं पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन कौन से वो देखते हैं। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं आप। देखिए चीजल धातु में धस जाएगी, कब धसेगी अगर पूछ लेगी बताइए, चीजल धातु में धस जाती है, क्यों धस जाती है, कब धसती है, आंसर आएगा झुकाव कोण बहुत अधिक है, यानी कि हमारा ये वाला कोण बहुत अधिक है इसलिए हमारी चीजल धातु में धस जाती है। कटिंग एज का पीछे का भाग पतला किया जाता है, जो कटिंग एज है इसका पीछे का भाग हल्का सा पतला किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, तो आंसर देंगे छैनी को स्लॉट में फंसने से बचाने के लिए। किसके लिए? छैनी को स्लॉट में फंसने से बचाने के लिए हम कटिंग एज के पीछे का भाग पतला रखते हैं। अब देखिए क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक है तो क्या होगा, कौन सा ये क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंट आएंगे इसमें देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, रैक एंगल कम हो जाएगा, देखो ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा, सबसे पहले है रैक कौन कम होगा, नंबर दो है कटिंग एज धसेगा, क्या होगा कटिंग एज आपका धसेगा और कट गहरा और गहरा होता जाएगा, तो ये इफेक्ट पड़ेंगे अगर हमारा क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक है तो। ये क्वेश्चन बन जाता है इसमें, ये क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये है आपके चीजल के एंगल। देखिए नरम धातु कोण वाली छैनी, अगर हार्ड धातु का प्रयोग करें, किस पर हार्ड धातु का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, धार जल्दी खराब होगी और धातु भी नहीं कटेगी, इसके आंसर में ये आंसर रहेगा इसमें। अब अगर हार्ड धातु कोण वाली छैनी सॉफ्ट धातु पर प्रयोग करें तो क्या होगा, आंसर रहेगा आपका ग्रूव बड़ा होगा और कट ज्यादा चौड़ा बनेगा। तो ये है आपकी छैनी। तो मैंने अधिकतर आपको छैनी के सारे पॉइंट बता दिए हैं जितने भी अधिकतर हैं। इसमें एक आता है मशरूम हेड, मशरूम हेड आप देखो जानते होंगे, मशरूम हेड में क्या होता है, अगर हम छैनी पर चोट मारते रहेंगे तो ऊपर से उसका जो हेड होता है वो फैल जाता है, फैल के क्या होता है वो इस तरह नीचे हो जाएगा इस तरह, और अगर हम उस पर चोट मारते रहेंगे ऐसे काम करते रहते हैं तो उसकी जो चिप्स है हमारे मतलब हाथ में लग सकते हैं, उससे हमारा हाथ में चोट लग सकती है, तो इसलिए मशरूम हेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसको ग्राइंड कर लेना चाहिए, मशरूम अगर हेड बन गया है तो उसको ग्राइंड करके ही यूज करना चाहिए। एक आता है आपका कास्ट आयरन, अगर कास्ट आयरन की हम चीपिंग कर रहे हैं, ऊपर से चीपिंग कर रहे हैं तो कास्ट आयरन की चीपिंग करते समय हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि ये है, ये प्लेट है, इधर से हम चीपिंग कर रहे हैं तो आधा इधर से करेंगे फिर आधा इधर से करेंगे ऐसे, यानी कि इधर से बीच में उसको हम फिनिश करते हैं, अगर इस तरह करते हैं तो हमारी प्लेट बिल्कुल ऊपर से सही रहेगी, अगर एक ही साइड से करते रहेंगे तो हमारा जो लास्ट का कॉर्नर रहेगा वो टूट जाता है, तो इसलिए कास्ट आयरन की चीपिंग करते समय दोनों साइड चीपिंग करते हैं और बीच में उसको फिनिश करते हैं। और अगर जो नॉर्मली है, नॉर्मली मतलब किसी मेटल की हम चीपिंग करेंगे तो क्या करते हैं, इस तरह देखो इस तरह इधर से चीपिंग करते हैं, चीपिंग करते रहेंगे, लेकिन जब लास्ट में आएगा यहाँ पर, लास्ट में आके फिर दूसरी साइड से चीपिंग करेंगे ताकि जो हमारी धातु है वो उखड़े ना, उखड़े से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये आपकी होगी छैनी। तो छैनी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, देखिए जितने बहुत लंबा टॉपिक हो गया ये, एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा आपका सब कुछ, मैंने बताने की कोशिश की है आपके इस टॉपिक में। तो चलिए थोड़ा वीडियो देखा करें और थोड़ा शेयर भी करा करें, और अगर अच्छी लग रही है आपको, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आपको लग रहा है कि हाँ सही बता रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी किया करें। चलिए आपको मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।